थोड़ा दो शब्द सर कुछ कहिए फिरवा क्लब ये फिरवा क्लब के लिए आज एक नया टूर। कौन सी जगह? ये जगह है कुमती गांव जाने वाली रोड है। रोड लेकिन सर दाल चावल दोनों है क्या? लाना पड़ेगा नीचे से? हो जाएगा, हो जाएगा। तो बनाना है चार लोगों के लिए कंफर्म? तो आज जो है हम बूबू के हाथ का खाना खाएंगे। इतना अच्छा लगता है ना सर ऐसे? हाँ सही जगह पे एक बार एक फील होता है कि हाँ गांव की याद आती है। देखो अच्छा सा सामान रखा है, मिर्च रखे है, कढ़ाई रखी है, वो रखे हैं, लोटा रखा है। तो बू कब बनाओगे? बाद में आते हैं, अभी थोड़ा घूमने जा रहे हैं ऊपर, फिर आते हैं। मैं बनाता हूं। चलो ठीक। अच्छा तुम यही रहना था? यहां तो चलो बू बना देना फिर अच्छा वाला मस्त मसूर की दाल मलका कहेंगे जिसे हम। अच्छा ठीक है, ये मलका है, इसको पीसेंगे इसमें तो एक पतला सा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, गाढ़ा 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 क्या? अरे ये व्यक्ति हारी है भाई, ये अबल पहाड़ी मसूर की दाल, इसको मलका कहते हैं। उसका ही दूसरा अंकुरण हुआ है। अच्छा ये मलका नहीं है ना, ये मसूरी हुआ, ये मसूर है। मलका मसूर कहते हैं यार, चिलबट्टे में पीस के बढ़िया सा वो बना के अच्छा सा वो टेस्ट रहता है। अच्छा, और इसको रोटी के साथ आप खाओगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। रोटी के साथ आप खाएंगे घर उधर कितना मजा आता है। सर ये घट है, ये घट है, सर ये देखो ना घट कहाँ है, घट आओ घट देख के आते हैं। नहीं सर अभी रास्ता नहीं है, बाद में है ना रास्ता है। आओ पानी की मात्रा सर यहाँ तो बहुत है। ये घट के बारे में धामी जी कुछ नॉलेज है आपको? लोगों के पास वो नहीं होते थे, आटा चक्की वाले नहीं होते थे, तो इसका प्रयोग बहुत हुआ करते। लोग मिलो दूर चल के गेहूं पिसाई, मडुआ पिसाई, मक्का पिसाई के लिए आते थे। अच्छा, जीवन यापन करने के लिए उस समय सबसे ज्यादा साधन यही हुआ करता था। आज के युग में देखे जाए प्रत्येक घर में क्या मिलेंगे आपके पास? ये अक्सर मतलब नदी के किनारे होता होगा, नदी के किनारे होता है, बरसातों में तो हर जगह आपको मिल जाए। ये जो है ये चक्की है, ये दिखाते हैं हम आपको, ये है चक्की। चक्की अब ये जो घटार घराट कहते हैं इसको। इसके नीचे देखेंगे सर वो घूमने वाला चक्की, वो इसके ये जो मशीन है ये घूमती है क्या? हाँ सर ये घूमती है। ना ना वो नहीं घूमते। हाँ क्या घूमता है? ये पत्थर घूमता है। अच्छा ये पत्थर घूमता है, ये वाला पत्थर प्रॉपरली घूमता है मतलब ये? अच्छा इसके ऊपर इसके अनाज मतलब जो बोलता कुछ भी डालेंगे, गेहूं मक्का। आओ ना जिसको पता है आ जाओ जिसको पता है वो बताओ। ये बताओ सर ये इसमें हम उसको डालेंगे अनाज, जो अनाज कहते हैं गेहूं मक्का कुछ भी जो भी जो हमको पीसना चाहना है वो वहाँ डालेंगे। यहाँ डालेंगे तो वो ये घूमेगा नीचे से, जब पानी लगाएंगे ऊपर से पानी का स्रोत डालेंगे तो स्रोत इसके नीचे होगा। हाँ घूमने वाला होगा एक, तो ये घूमेगा ऑटोमेटिक, ये घूमेगा और टरबाइन का काम करेगा। क्या होता था पहले एक जमाने में, मुद्रा की कहाँ होती थी ना लोगों का, तो लोग दूसरी जगह से लाके अनाज को, तो अनाज लाते थे तो पीसने के लिए तो पीसते थे घटार वाले, जो यहाँ के जो मालिक होंगे वो पीसते थे, तो उनको मुद्रा की जगह थोड़ा बहुत अनाज देते थे। अच्छा तो ये परंपरा पहले से है, मतलब पानी की काइनेटिक एनर्जी का भरपूर प्रयोग अपरयोग। यहाँ पे पानी का सोर्स है, ये रहा देखो अभी पानी का सोर्स भी दिखा देते हैं। चलो ये है हमारा, ये अच्छा सा वो है, ये दिखाओ ये है। हाँ ये उसके नीचे का। हाँ देखिए सर ये पानी, अरे हाँ यार इसमें प्रॉपर टर्बाइन दिखाई दे रही है ये। मतलब ये घूमता होगा पानी के प्रेशर से, फोर्स का करा होगा पानी का। पानी का फोर्स, अभी फोर्स कम है शायद इसलिए नहीं है, जीरो है, बट ये पानी को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होता होगा इनके पास। ये जो है इसी होता है, ये इससे ये। अच्छा हैं इनके यहाँ पे ये दो घट का मालिक, ये भाई साहब गौर से देखिए, दो घट का मालिक है ये। तो इसके बारे में और ज्यादा इनको ज्ञात होना, इनके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल,
तो इनको ये इनको दूर से दिखा देते हैं, ये है प्रॉपर घट जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ जी अच्छा, तो हम बीच एक नदी के बीच में खड़े हैं, कभी भी पानी आ सकता है, बस बरसात के टाइम का ऐसा डेंजर एरिया। चलो अब नदी क्रॉस करनी है तो जूते खोलने पड़ेंगे हमें। लटक गई, संभलते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे पहले बहुत बड़ा फील्ड हुआ करता था, लेकिन इस नदी ने, इस बार की नदी ने जो है पूरा फील्ड बहा के यहाँ पे पूरा पत्थर ही पत्थर कर दिया है। तो खुमती गांव वालों के लिए ये थोड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनका पिच जो है वो बह गया है। नदी में पाँव नहीं उठाना चाहिए, पाँव नहीं उठाओगे तो पाँव कैसे आगे बढ़ाओगे। ये फील्ड था यहाँ पे, तो पूरा पिच था मतलब ये ठीक हो। यहाँ पे जो लोकल बड़े बड़े लोकल मैच यहीं होते थे धारचूला के, ठीक है। तो अभी भी कुछ क्या लगा ये बाउंड्री, अच्छा ये बाउंड्री, बाउंड्री अब कौन सी बाउंड्री, बाउंड्री तो रही नहीं, ये अवशेष हैं हमारे यहाँ के, खुमती फील्ड, खुमती गांव के फील्ड के अवशेष। हाँ फील्ड बड़ा होता लेकिन अब कहाँ से है ये, तो पूरा फील्ड हुआ ना ये। हाँ ये फील्ड ही होगा, बह गया है पूरा का पूरा। इस ब्रेक के बाद बने रहेगा सिस्टम में। पूछो क्या हुआ, क्या हो गया, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे फिरवा क्लब ज्वाइन करना है। आप भी कर सकते हैं फिरवा क्लब ज्वाइन, फिरवा क्लब ज्वाइन करना है बहुत ही आसान। अब बाकी इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे पार्टनर, चलिए फिरवा क्लब के साथ एक टी शर्ट और एक आप स्लीपर मैन के, चलिए तैयार करिए और चलिए। जी हाँ बैग पैक कीजिए, आप जूते पहनिए, टी शर्ट आपको फिरवा क्लब वाले दे देंगे। ओके सब खाएंगे वो, आज हम घर से छुट्टी लेके आए थे मतलब स्कूल की, आज हमारी आज जो है हम गोलमोल कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बनता है यहाँ का, बड़ी डाल के गोल गोल खाते हैं बड़ी वो, पहले गोलमोल खिला दो फिर उसके चलो चलो। ये हमारे मित्र की एक और एंट्री, पूरे घर खाना तैयार कर दिया है, बढ़िया सा खाना बनाया, दाल देखिए, ये देखिए पहाड़ी दाल, यस ये मसूर लजीज लजीज एंड गोलमोल भी, गोलमोल भी बना दो, पहले गोलमोल खाते हैं या पहले गोलमोल खाएं, सीधा बात ही खाएं, ये बात है। मतलब कहीं भी अगर ऐसा लगे और खाऊं इसका मतलब ये है कि खाना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। बात खत्म। चलो ये कढ़ाई चाट लूं मैं क्या? हां यस हाल गजब। अच्छा तुम्हारा आपके रिश्तेदार हैं, अरे वो मजा आया खाना खाने में, अब हम इसके बाद मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे पहाड़ी, हमारी पहाड़ी अलग उनकी ना, कोई नहीं समझ जाते हैं हमारी पिथौरागढ़ वाली पहाड़ी बहन है, दुबरा मिल चुका नहीं फिर लेके ना यहाँ थोड़ा दोबारा हमारे यहाँ कनान, हमारे यहाँ कनान वाली उंची मतलब उंची कनान मतलब कौनान अगिल्ला बार मिलनू हाँ कह दो फिर दस बे मतलब हमारी पहाड़ी यहाँ पहाड़ी थोड़ा अलग बे मतलब समझ में आ रहा है ना तब है तब है चलो अच्छा तब है मैल क्यों मतलब हाँ हेलमेट हेलमेट रिकॉर्डिंग अब बोलो आपको कैसा लगा सर बूबू जी का ढाबा? अरे भाई साहब आई हैव ओनली सिंगल वर्ड फॉर बूबू जी का खाना, स्क्रम्शियस
द फूड वॉज स्क्रम्शियस, बिना प्याज बिना टमाटर और बिना तड़केगा पे आएगा कभी एक बार बूबू जी का ढाबे में होके आएगा एक खाने का, वो पता चल जाएगा आपका कैसा है। इतना टेस्टी था सर, मेरा तो पेट भरा था। उसके बाद भी मैं दबाए जा रहा हूँ। रुको यार शिवम, उतरो जल्दी जी, जाके रिकॉर्ड करो उसको। सीओ एक बेचारी बिल्ली यहाँ पे बिल्कुल गिरी है, इसको रिकॉर्ड करो, दो को दिखाओ। ले जाओ यार रिकॉर्ड करना हमें जी, क्या कर रहे हो यार। लो सर, बेचारी बिल्ली यार, जिधर लाओ प्यारी सी है। अब ले जाऊँ बिल्ली, अभी किसी का बच्चा होगा यहाँ, बड़ी बिल्ली का कभी तो आया है यहाँ। कितनी छोटी बिल्ली है यार, रोड के नीचे किसी के आ जाती तो देखो तो कितनी छोटी है यार। म्याऊं म्याऊं, क्या हो गया, किसने छोड़ा बाबू? कुत्ता है ना, थोड़ा मार देगा इसको। तो पाल लोगे तो फिर आदत बन जाएगी। पाल लो ऐसा, ले लो, ले जाओ तुम, ले जाओ। नहीं यार मैं बिल्ली से ऐसे, मैं वो तो पड़ा हुआ हूँ। मैं ले जाऊँ, क्या करोगे इसे खाली? तुम जा रहे हो एक हफ्ते के लिए, क्या खाएगा ये? हाँ ये भी है, दिक्कत है। ले जाओ घर में, तुम ले जाओ यार। हाँ ये परफेक्ट जगह है, जा यार अंदर का, जा चल। हाँ चेन मत लगाओ, अब यहाँ से देखेगा झांकेगा वो। चलो किती। हाँ भतीजा मारने दे यार इसको, ठीक है? तुम सेफ होने वाले, यहीं पर नहीं आएगा अभी, सेफ होने वाली है। हमारे चंचल सर जो है इस बिल्ली को जो है घर ले जाएंगे और जो है इनको पालने वाले हैं। गजब, मैंने बोला क्यों रोका। चलो ठीक है चलो वेरी गुड यार। अभी कहाँ बच्चे दिए? चलो रोड में आ रहा है, दब जाता मर जाता, ऐसे ऐसे पाल रहे हो तुम, अच्छी बात तो है। किटी को भी बाय बाय करते हैं। कहाँ गई? सो गया अंदर, सो गया। एक नेक कार्य है आपको चंचल सर आपके द्वारा। किटी चलो बाय बाय किटी, फिर मिलते हैं। इसको पाले रखना सर, प्यारी है, कितनी प्यारी है, क्या कर रहा है ये देखो। चल एक अच्छी जिंदगी है, ठंडे से बचाया कम से कम। चलो तुम पालोगे तो अच्छे से पालोगे यार, तुम्हारे यहाँ गाय भी है। चलो ओके बाय बाय, थैंक यू।